हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक सौरभ और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एग्जामिनेशन गुरु। आज जो टॉपिक है वो फिजिक्स का होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं। और चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हेलो फ्रेंड, ये फिजिक्स का एक कंप्लीट सेट है जिसमें फिजिक्स के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट चलने वाला है और ये उस सेट का पहला पार्ट है जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन नीडल सिंक इन वाटर वेयर एज अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट ऑन इट बिकॉज ए एज ऑफ द नीडल इज पॉइंटेड, बी द शिप इज फ्लैट, सी द शिप इज ड्रिवन बाई पावरफुल इंजन, डी अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नीडल इज़ ग्रेटर दैन डैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई इट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसका जो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी निकालना है, उसका जो मास है और उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो होता है आपका डेंसिटी। और सिंपल सा चीज़ है, जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना उसका डेंसिटी क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, तो एज अ रेफरेंस के तौर में हम लोग हमेशा पानी को लेते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर पानी से ही है। तो हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा और जिसका रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा आएगा तो वो पानी में क्या होगा, डूब जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वन का जो होता है ना रिलेटिव डेंसिटी, वो आपका इसका होता है, पानी का होता है, एज अ रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी के कारण जो खेल हो रहा है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू, द क्लाउड नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट बिकॉज ए क्लाउड प्रिवेंट एस्केप ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर, बी एब्जॉर्ब सनलाइट इन द डे एंड रेडिएट द सेम इन नाइट, सी क्लाउड मेक द एटमोसफेयर डैम एंड जनरेट हीट, डी क्लाउड ऑब्स्ट्रैक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर विच क्रिएट हीट। बादल जो होता है आपके हीट को निकलने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, फूड गेट कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज ए वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट अ हायर टेम्परेचर ड्यू टू द हायर प्रेशर, सी वाटर बॉइल्स ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस बट द हीट कन्वर्ट इज हायर एट द हाई प्रेशर, डी कन्वेक्शन करेंट्स आर सेट इन साइड द कुकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू बियर वाइट क्लॉथ इन समर बिकॉज ए देर रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम, बी दे रेडिएट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी, सी दे एब्जॉर्ब परस्पिरेशन, डी दे आर सूथिंग टू द आई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इससे पहले बता देता हूँ मैं आपको, वाइट कलर जो होता है ना वो आपके हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। डैट मीन्स रिफ्लेक्ट करने का सेंस, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो ब्लैक कलर होता है ना वो आपके हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम लोग ठंडा के समय में ब्लैक कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और गर्मी के समय में वाइट कपड़ा या फिर लाइट कलर का कपड़ा को पहनना पसंद करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑफ द टू बल्ब इन अ हाउस वन ग्लो ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए द ब्राइटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, बी बोथ द बल्ब हैव द सेम रेसिस्टेंस, सी द ब्राइटर बल्ब हैज लार्ज रेसिस्टेंस, डी द डिमर बल्ब हैज लार्ज रेसिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ए फ्लोसेंट ट्यूब इज प्रीफर टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ए इट हैज अ लार्ज लाइट इमिट सरफेस, बी वोल्टेज फ्लक्चुएशन डोंट अफेक्ट इट, सी इन अ ट्यूब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट, डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ जेट इंजन एंड अ रॉकेट। फर्स्ट, अ जेट इंजन यूजेज द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इट इज अनसुटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। सेकंड है, रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फ्रॉम एज अ फ्यूल। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली वन, ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों जो आपका दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट, वो दोनों क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज ए इट्स टैपर्ड एट द टॉप, बी इट्स कवर अ लार्ज बेस एरिया, सी इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोवेस्ट पोजिशन, डी द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद द बेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका जो आपका झुका होने के कारण क्या होता है, इसके बेस पे ही ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके बेस पे आ जाता है, जिससे क्या है, ये स्टेबल है, अदरवाइज ये गिर सकता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला असर्शन है, दूसरा रीजन है। असर्शन फर्स्ट क्या है, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। रीजन दिया गया है, द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सीज। अब यहाँ पर आपका चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड टेंड्स टू बर्न आउट बिकॉज ए दे ड्रॉ मोर करेंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, बी दे ड्रॉ मोर करेंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वोल्टेज, सी दे ड्रॉ हीट प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, डी वोल्टेज सॉरी लो वोल्टेज सेट इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर द रूम टेम्परेचर विल बी ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन्स द सेम, डी डिक्रीज ओनली इन द एरिया इन द विसिनिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टेम्परेचर जो है कुछ समय के लिए हल्का सा वो कमता है, फिर उसके हीट के कारण क्या होता है, वो बाहर का सिस्टम भी हीट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
If a rock is brought from the surface of the moon to the earth, then A. its mass will increase, B. its weight will change but not its mass, C. both mass and weight will increase, D. both mass and weight will remain the same. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आंसर द यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से आपको दो या तीन का आता है, एक का नहीं आता, तो ऐसे में भी आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होता है उसको मान लीजिए हमको उसका नहीं पता है, एनर्जी का तो हमने पता है, एनर्जी का होता है आपका जूल, ठीक है। वैसे ही सी जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इसका जो यूनिट होता है वो हो जाता है डेसिबल, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हो जाता है वो हर्ट्ज। और वैसे पता चल गया हम लोग को कि वेवलेंथ का जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है, तो यहाँ से हम ऑप्शन लगा सकते हैं बी का तीन। बी का तीन देख लीजिए आपका ए में है और सी में है। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट का जो है वो आपका हो जाएगा सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है टेम्परेचर पावर प्रेशर फोर्स, अब इसको आपका इसका सिंपल जो है ऐसा यूनिट के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर का पता है, टेम्परेचर का कैल्विन होता है, तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा फर्स्ट, और पावर का जो होता है वो हो जाता है वाट, तो पावर का सेकंड का सेकंड हो गया, और प्रेशर का हो जाता है पास्कल, थर्ड का थर्ड, और फोर्स का हो जाता है न्यूटन। तो जिसमें 1 2 3 4 आपको दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रे, ए दे रिफ्लेक्ट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बी दे हैव वेरी हाई वेवलेंथ, सी दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, डी दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सिस्मिक जो आपका होता है वो आपका यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा चीज़ नहीं होगा, सिस्मिक जो रे होता है ना, कॉस्मिक रे, सॉरी सिस्मिक रे तो आपका भूकंप में होता है, कॉस्मिक रे जो है आपका सन के से ओरिजिन नहीं होता है, तो ये जो पार्ट है ये गलत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। द पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर बिकॉज अ डे इज समर आर लार्ज, बी द फ्रिक्शन इन द क्वाइल, सी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, डी द वेट ऑफ द पेंडुलम चेंज। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो भी मेटल का चीज़ होता है गर्म होने पे वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो और सिंपली फॉर्म में पेंडुलम का लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे इसका जो आपका ऑक्सीलेशन होता है वो क्या होता है, कम जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड, एसर्शन दिया हुआ है ए पीस ऑफ आइस एडेड टू द ड्रिंक एंड ड्रिंक कूल इट, रीजन आइस टेक लेटेंट हिंट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक। ए दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आपका बी दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर से जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आपका assertion और reason है दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को प्रूफ भी कर रहा है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट।
यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है उससे आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा। तो चलते हैं, रिवॉल्वर दिया हुआ है डायनामाइट, लॉ ऑफ कूलिंग है, लॉ ऑफ प्रेशर। और यहाँ पर बेसिकली बताना है कि जो यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है इसके बारे में कौन बताए थे। तो यहाँ पर जो रिवॉल्वर का जो आपका किया गया था वो कोल्ट के द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3। और डायनामाइट का जो खोज किया गया, जो इसको बनाए थे, वो हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबल फर्स्ट। लॉ ऑफ कूलिंग जो दिए थे वो आपका न्यूटन दिए थे, और लॉ ऑफ प्रेशर के बारे में जो बताए थे वो पास्कल। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 3-1-4-2 ये मिल रहा है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। द एटमोसफेयर एग्जर्ट इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डोंट फील इट बिकॉज ए आवर ब्लड एग्जर्ट अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमोसफेयर, बी वी आर यूज टू इट, सी आवर बोन्स आर वेरी स्ट्रांग एंड कान विथ स्टैंड द प्रेशर, डी द सरफेस एरिया ऑफ आवर हेड इज वेरी स्मॉल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है ना, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे हल्का ज़्यादा प्रेशर वो अप्लाई करता है, जिसके कारण हम लोग उस प्रेशर को झेल लेते हैं। अगर हम लोग के ब्लड का प्रेशर उससे कम रहेगा तो वो हम लोग को दबाने लगेगा, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमाइट्रोपिया, ए द पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट, बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, सी द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना, डी अ कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो अगर इसका जो राइट आंसर की बात किया जाए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर जो आपका ये हाइपरमाइट्रोपिया है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, एक्चुअली नाम पे ना जाएं क्योंकि इसका नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें सब उल्टा होता है, दूर का चीज़ क्लियर दिखता है। ठीक है, और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता है क्या चीज़ है, रेटिना के पीछे जो इमेज बन जाता है इसका, उसको पास लाने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे ताकि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो क्या हो, कन्वर्स होकर रेटिना पे आ जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दिस कोड गिवेन बिलो, एसर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आया है। एसर्शन दिया हुआ है, इफ आइस कलेक्ट ऑन द फ्रीजर द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली। रीजन दिया हुआ है, आइस इज अ पुअर कंडक्टर। और यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो जो यहाँ पर एसर्शन और रीज़न दिया हुआ है दोनों क्या है, दूसरा के लिए फिट बैठ रहा है, क्योंकि आइस जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द, ए द हाइट ऑफ द पर्सन, बी द हाफ द हाइट ऑफ पर्सन, सी 1/4 द हाइट ऑफ द पर्सन, डी डबल द हाइट ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर आपके आदमी के हाइट के आधा भी है ना, तो आदमी का पूरा इमेज उसमें बन सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23।
यहाँ पर भी आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है, यहाँ पर भी आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है हीट टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने वाला, ये आपका हो जाता है सोलर प्लेट जो है वो हीट से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल टू साउंड में देखा जाए, इसमें हम लोग लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से साउंड में कन्वर्ट कर देगा। सी जो है मास टू हीट कन्वर्ट करने वाला जो हो जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, और इसका हो जाएगा आपका दो। केमिकल टू हीट जो है, जब हम लोग किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना, तो वो क्या करता है केमिकल टू हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 3 2 5 ये जहाँ मिलेगा आपका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ ए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, बी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, सी इलेक्ट्रॉन पारा मैग्नेटिक रेजोनेंस, डी डाई मैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन टिश्यू। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन बोट इन अ स्टिल वाटर, इफ ही वॉक टूवर्ड्स टू द शोर द बोट विल ए मूव टूवर्ड द शोर, बी मूव अवे फ्रॉम द शोर, सी रिमेन स्टेशनरी, डी सिंक। यहाँ पर जब आप उसके तरफ जाइएगा, किनारे की तरफ जाइएगा, तो नाव जो है उसका अपोजिट काम करेगा, वो क्या होगा मूव अवे फ्रॉम द शोर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूव अवे फ्रॉम द शोर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। एन इंडोस्कोप इज यूज बाई अ फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑर्गन्स, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट, ए द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन, बी द लेवल ऑफ वाटर विल कम अप, सी द लेवल ऑफ वाटर विल फर्स्ट राइज एंड देन फॉल, डी द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर जब आप किसी पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिए हैं, तो वो ऑलरेडी उसका वॉल्यूम क्या हो चुका है उसमें ऐड हो चुका है, अपने आप लेवल अप हो गया है, डालने टाइम पे ही लेवल अप हो गया, अब उसके पिघलने के बाद वो क्या होगा सिंपली वही लेवल पर रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28। ए मैन इनसाइड अ मूविंग ट्रेन टॉस अ कॉइन, द कॉइन फॉल बिहाइंड हिम, द ट्रेन इज मूविंग, अ फॉरवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, बी बैकवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, सी फॉरवर्ड विथ डी डिसलरेशन, डी फॉरवर्ड विथ एक्सिलरेशन। जब गाड़ी आपका मान लीजिए सेम स्पीड पे रहता है, तब आप गाड़ी पर हैं, ट्वाइन को आप टॉस किए तो वो आपके हाथ पे ही आता है, जब यूनिफॉर्म आपका स्पीड में चल रहा है तो जब गाड़ी का स्पीड घटे बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग या तो आगे गिरेगा या तो पीछे गिरेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है पीछे गिरा, डैट मीन्स ये गाड़ी एक्सिलरेट किया गया होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाड़ी फॉरवर्ड विथ एक्सिलरेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, ए फैन सप्लाईज कूल एयर, बी आवर बॉडी रेडिएट मोर हीट इन एयर, सी कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज, डी आवर परस्पिरेशन एवोपरेट रैपिडली। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना।
चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बी डिस्पर्सन एंड डिफ्रैक्शन, सी रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, डी डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा डिस्पर्सन एंड डिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत होता है, तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए आगे फिर इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, मे बी कल तक या परसों तक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।